बाल इतनी जल्दी गंदे क्यों हो जाते हैं? और फिर अभी धोना पड़ेगा। ठीक है, एक काम करती हूँ मैं। पहले मैं कुछ DIY यूज़ करूँ एंड उसके बाद फिर मैं वॉश करूँ मेरे बालों को, तो ज़्यादा अच्छे से क्लीन होंगे। आप क्या कहते हो, ये ज़्यादा होगा? इनफैक्ट गाइज, हम सबके साथ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है कि मतलब आज हमने बाल धोए और देखते देखते 2 से 3 मैक्स टू मैक्स डेज में आपके स्कैल्प जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इची होने लगते हैं, बाल आपके ड्राई होने लगते हैं एंड देन यू फील कि यार इसको क्लीन किया जाए, तो आप सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली जाके वॉश कर लेते हो अपने बालों को। लेकिन मैं सोचती हूँ कि आई थिंक इट विल बी बेटर अगर मैं छोटा सा DIY यूज़ करूँ एंड देन अपने बालों को वॉश करूँ। इट विल टेक हार्डली 5 मिनट्स फॉर मी और मैं यही चीज़ करती हूँ एंड दैट इज़ हाउ कि जो मेरे स्कैल्प होते हैं वो क्लीन रहते हैं। लेकिन एटलीस्ट 3 से 4 दिन कहीं नहीं गए अगर आप बहुत ज़्यादा आउटर एक्सपोजर करते हो तो, और घर में रहते हो तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। आप आराम से वॉश करो वेन एवर यू फील लाइक ओके यू नीड टू डू इट। लाइक जैसे कि ऑफकोर्स 4 नहीं तो 3 5वें दिन आप कर ही लो, क्योंकि हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार अपने को हेड वॉश करना ज़रूरी है। कराती हूँ फटाफट DIY हेड मास्क और मिलती हूँ आपसे। बनाते बनाते मुझे लग गई है प्यास, तो अभी मैं यहाँ पे पी रही हूँ पानी। बहुत सिंपल है क्योंकि आप खाना खाए बिना तो रह सकते हो लेकिन पानी पिए बिना ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकते हो गाइस। गाइस तो अब मैं जा रही हूँ हेयर केयर रूटीन फॉलो करने और हेयर मास्क लगा के एंड आई विल वॉश माई हेयर एंड अपना मॉर्निंग रिचुअल्स जो मैं हमेशा कहती हूँ वो फॉलो करने के बाद मैं आपको फटाफट मिलती हूँ। गाइस तो मैंने हेयर केयर रूटीन फॉलो कर लिया है, अपने हेयर को वॉश भी कर लिया, अच्छा खासा पैम्पर सेशन हो चुका है। तो अगर आपको जानना है कि मैंने कैसा रूटीन फॉलो किया था, कैसे मैंने हेयर मास्क प्रिपेयर किया था, तो आप मेरे दूसरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं जिसका नाम है सफ़र विद रुक्मिणी शर्मा ओनली। इस चैनल का नाम है सफ़र विद रुक्मिणी शर्मा व्लॉग्स, तो डोंट गेट कन्फ्यूज। तो सफ़र विद रुक्मिणी शर्मा के चैनल पर मैंने ऑलरेडी वो अपलोड कर दिया है, तो आप प्लीज़ जाकर देख लें कि कैसा रूटीन है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मैं जो लिंक होगा वीडियो का वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, डू चेक दैट आउट। फिलहाल मैंने पहना है ये ब्लू कलर का सूट और अपने बालों को टाई कर लिया है, अच्छा खासा बन बना रखा है और इयररिंग्स पहने हैं, बिंदी लगाई है और नॉर्मल टचअप किया है, दैट्स ऑल। क्योंकि अभी अभी मैंने बाल को धोया तो मैं इतनी जल्दी गंदा नहीं करना चाहती। बालों को सूखने के बाद मैंने उनको अच्छे तरीके से हल्के फुल्के टाई कर लिया है ताकि मेरे स्कैल्प पर ज़्यादा प्रेशर ना है, इससे बाल भी आपके कम टूटते हैं। तो अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि मेरा बाल जो मैं आप बांध रहे हो वो ज़्यादा टाइट ना हो, इससे आपके स्कैल्प पर और आपके जो बाल के जड़ है उस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा। मैं है शाम के 5 और मुझे लग रही है थोड़ी बहुत भूख, तो आई एम थिंकिंग टू ईट समथिंग विच इज़ बेसन का चीला। और मैं क्या करने वाली हूँ, उसमें आटा भी थोड़ा मिक्स करने वाली हूँ, तो बेसन का और आटे का चीला मैं बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कैसा बना है एंड उसके बाद हम देखते हैं कि आगे में क्या करना है। शाम के 7 और मुझे जाना है गणपति भगवान की आरती में, तो भैया के घर पे बैठी है गणपति तो मैं वहाँ पर जा रही हूँ। और अभी फिलहाल मैंने पहना है साड़ी और इसका पूरा लुक मैं आपको दिखाती हूँ कुछ इस तरीके से है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं। गई हूँ गाइस घर पे और मैंने ज़्यादा वहाँ पे नहीं शूट किया। हाँ, मुझे आपको गणपति भगवान का फोटो दिखाना था, वो मैं आपको दिखाऊंगी कल, क्योंकि कल होने वाला है गणपति विसर्जन और तब जाके मैं आपको वो विसर्जन भी दिखाऊंगी और गणपति भगवान के दर्शन भी करवाऊंगी। तो अभी के लिए गाइस मैं करती हूँ इस व्लॉग को यहीं पे एंड एंड आई विल सी यू टुमारो इन माई नेक्स्ट व्लॉग। अंटिल देन टेक केयर गाइस, यू नो व्हाट यू हैव टू डू फॉर शाउट आउट, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टेक केयर गाइस।